गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। वी आर गोइंग टू डू वन एक्सरसाइज, मात्रा लगाओ। अब हमारे पास अक्षर हैं, लेकिन इन पर मात्रा हमको खुद लगानी है, मात्रा हमको खुद लगानी है। तो हमने हा और था अक्षर के बीच में एक मात्रा लगाई आ की, तो ये बन गया हाथ, है ना। और हमने द और ल के बीच में लगाई तो बन गया दाल, और ब और ल के बीच में लगाई तो बाल बन गया। अगर हम हाथा बनाएंगे तो हाथा था में लगा देंगे तो वो हाथा बनेगा, तो हाथा तो कोई शब्द नहीं होता है। दा और ला दोनों में लगाएंगे तो बनेगा दाला, दाला भी हमने नहीं कभी सुना कोई शब्द होता है, दाल तो होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। अब हमने बनाया बाल जो हमारे सर पर है, लेकिन अगर हम इसे बाला बनाएंगे ना, बा में आ की मात्रा और ला में आ की मात्रा, तो भी सही है, क्योंकि बाला बोला जाता है लड़की को, कोई भी लड़की होती है उसको बाला बोलते हैं, तो बाल और बाला दोनों सही है। आप बाल भी बना सकते हैं, बाला भी बना सकते हैं। अब जग, जग है तो जग में हमने बनाया जा में आ की मात्रा तो जाग बन गया, ये सही है, जागना जाग। और जागा, आज मैं रात भर जागा, तो ये भी सही है। तो आप जाग भी बना सकते हो, जागा भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों ही मीनिंगफुल शब्द हैं। अब ज और ल है तो आप क्या बनाओगे ज और ल से, हम इसे जाल भी बना सकते हैं और जला भी बना सकते हैं। देखिए हमने ज में आ की मात्रा लगा दी तो जाल बन गया, और ज और ल में हमने जा में ना लगा के मात्रा को लगा दिया ला में तो जला बन गया। तो जाल भी सही है, जला भी सही है। और अगर हम जा और ला में जा में भी मात्रा लगा दें और ला में भी लगा दें तो ये जाला बन जाएगा, तो जला भी सही है, जाला भी सही है और जाल भी सही है। लेकिन ये सब सही इसलिए है क्योंकि इनका मीनिंग है, ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। अब चल, चल है, अब हमें आ की मात्रा लगानी है तो हमने चा में लगाई तो चाल बन गया, तुम्हारी चाल, है ना, चाल चलना चाल, ठीक है, ये तो करेक्ट है। अगर हमने चा और ला में चा में नहीं लगाई, ला में लगा दी तो चला, वो कल दिल्ली से चला, तो ये भी सही है, चाल भी सही है, चला भी सही है। लेकिन हमने चा और ला में चा में भी लगा दी और ला में भी लगा दी चाला, चाला रॉन्ग है, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कोई चाला शब्द, चालाक सुना है लेकिन चाला नहीं सुना है, तो ये हमने रॉन्ग कर दिया। चला सही बन गया, चाल भी सही बन गया, है ना, चला और चाल दोनों सही हैं। तो इस तरह से हमें जब अक्षर दिए होते हैं तो उसमें आ की मात्रा लगाकर मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। अब यह है ब द ल बदल, और आ की मात्रा बदल, ये कपड़ा बदल दो, ये पेंसिल बदल दो, ये भी सही है, लेकिन हमें आ की मात्रा लगानी है ना, तो हमने बा में आ की मात्रा लगा के देखा तो बना बादल, बादल, ये तो सही है। लेकिन अगर हम इसमें बा में आ की मात्रा ना लगा के दा में लगाएंगे, ब द ल, तो बन जाएगा बदाल, ब दाल, तो ये तो रॉन्ग है, बदाल कुछ नहीं होता, तो हमने बनाया बादल। अब कमल, कमल है तो कमल में कोई आ की मात्रा नहीं है, कमल कमल का फूल, लेकिन कमल में आ की मात्रा हम कहाँ लगाएं, कामल भी नहीं कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, क्या कमाल का काम किया है, तो हम कमाल में क्या करेंगे, का में नहीं लगाएंगे, का खाली रहेगा और मा में लगाएंगे, तो मा में लगाने से क्या होगा, वो बन जाएगा माल, क माल का माल, कमाल क माल, कमाल, है ना। फिर से मैम बता रही हैं, देखिए ये लिखा है क म ल, और हमने कामल हो जाएगा अगर का में लगा दी तो कामल हो जाएगा, कामल नहीं बनाएंगे, क मा ल,
कमाल, क माल, कमाल। ठीक है, तो ये सारे शब्द मैम कॉपी वर्क में देंगी, आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्सरसाइज मैम नेक्स्ट क्लास में कराएंगी, जो पूरा करो। ठीक है।